ये दिन भारत के पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है। कारगिल विजय दिवस पर बोले पीएम मोदी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, सांसदों की बुलाई बैठक। G20 के उपलक्ष्य में सरकार जारी करेगी 175 रुपए के 2 स्मारक सिक्के। WFI चुनाव से दूर रहेंगे ब्रजभूषण सिंह और उनके बेटे। 12 अगस्त को होगा महासंघ का मतदान। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ आज मुस्लिम पक्ष की अपील पर होगी सुनवाई। पीएम मोदी ने आज किया ITPO कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन। 2700 करोड़ में हुआ रीडेवलपमेंट, यही होगी G20 की बैठक। यूपी में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष से करने की तैयारी। 62 साल के बाद प्रशासनिक पद पर नहीं करेंगे कार्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज यूपी दौरे पर, यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर होगी चर्चा। गोफर्स्ट विमान ने की हैंडलिंग फ्लाइट के संचालन की शुरुआत। DGCA ने 15 विमानों को दी उड़ान भरने की इजाजत। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होना है भारत वर्सेज पाकिस्तान का मैच। नवरात्रि के कारण बदल सकती है तारीख।